ओके सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स राइट। नाइन्थ में अगर हम देखा जाए तो नाइन्थ में ऑलरेडी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हो, जिसमें नाइन्थ में दो चीजों के ऊपर डिस्कशन होता था। एक होता था आपके डायग्राम्स, ठीक है, अब वो डायग्राम्स से आपके हिस्टोग्राम्स पाई चार्ट वगैरह आते थे, और दूसरा होता था जहां पे आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सीखा था। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपने मीन मीडियन मीन मीडियन एंड मॉड निकालना सीखा था, राइट। अब आप लोगों ने जो क्लास नाइन्थ में स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन मीडियन मॉड कैलकुलेट करना सीखा है, वो आपने सीखा था अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है? अनग्रुप्ड डेटा बेसिकली वो डेटा होता है, या अनग्रुप्ड डेटा को आप रॉ डेटा कह सकते हो, जिसको अच्छे से अरेंज नहीं किया गया। जैसे अगर मैंने सिंपली आप लोगों से पूछा कि आप लोगों के टेस्ट के मार्क्स कितने थे, तो अभी अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन शुभम? ओके ओके, मुझे नहीं पता था। सो स्टैटिस्टिक्स में आई वाज सेइंग कि क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को दो पार्ट में पढ़ा था। एक आपने पढ़ा था डायग्राम्स वगैरह, जैसे हिस्टोग्राम्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट वगैरह, एंड देन यू लर्न हाउ टू फाइंड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि जितने भी वैल्यूज है, मान लो हमने कुछ डेटा हमें मिला, हो सकता है कि वो आपके मार्क्स का डेटा था, आपके जितने भी टेस्ट हुए थे उन सबके मार्क्स थे, तो वी आर इंटेंडिंग टू फाइंड अ वैल्यू जिसके आसपास सारी वैल्यूज घूमती है। हम वो वैल्यू निकालना चाहते हैं जिसके आसपास सारी वैल्यूज घूमती है। अब जनरली लोअर क्लासेस में हम सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू को जानते हैं, एवरेज, है ना। बट आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में फिर पढ़ा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन भी आता है, मीडियन भी आता है, एंड मॉड भी आता है, तीनों आते हैं, राइट। मीन मीडियन मॉड तीनों आते हैं, तो उसी को आप इधर भी पढ़ोगे। टेंथ में आप डायग्राम्स वगैरह नहीं पढ़ते हो, आप मेनली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हो, ठीक है। तो मीन कैसे निकाला जाता है, मॉड कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है। अब इसमें सिलेबस से क्या रिमूव हुआ है, एक बार वो बात कर लेते हैं। तो जितना मुझे याद है स्टूडेंट्स, सिलेबस रिमूव दो चीजें रिमूव हुई है। फर्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड मीन, स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड मीन, एक ये वाली चीज हटी है, और दूसरा हटा है फाइंडिंग मीडियन बाय ड्रॉइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, बाय ड्रॉइंग CF ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को ड्रॉ करके बनाया गया, ठीक है। तो क्या एक बार कंफर्म कर देना, हाँ रोहित कर दिया मैंने। ओके सो स्टूडेंट्स आई वाज सेइंग कि सिलेबस से क्या क्या हटाया गया है। सो द स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड मीन हैज बीन रिमूव्ड, एंड हाउ टू फाइंड द मीडियन बाय ड्रॉइंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, वो जो CF ग्राफ दिख रहा है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ। बट एनीवेज दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टॉपिक। तो चलो लेट्स डिस्कस अबाउट मीन। अब ये वाला फंडा, मीन आप दो डेटा के लिए निकालोगे। ग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है? ग्रुप अनग्रुप डेटा हो गया जो रॉ डेटा हो गया, जैसे मैंने आप लोगों से सीधे आपके मार्क्स पूछे, स्क्रीन पे मैंने वो वैल्यूज लिखा, और अब मैं मान लो उनका मीन निकालना। बट ग्रुप डेटा होता है जब हमारे पास बहुत सारे डेटा आ जाते हैं ना, बहुत सारे डेटा आ जाते हैं, तो हम उनको ना अरेंज करते हैं कि हाँ ठीक है, अब अरेंज करोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी वैल्यूज रिपीट कर रही है। तो इस तरीके से द डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेवरल ग्रुप्स इज कॉल्ड अ ग्रुप डेटा, व्हाइल अनग्रुप डेटा इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो नाइन्थ में जो आप एवरेजेस निकालते थे, है ना, वो आप मेनली अनग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट करते थे। फिर मीन क्या है? द मीन और एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन जैसे हम लोग हमेशा निकालते हैं एवरेज, इट इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब आता है मीन कैलकुलेट करने के दो मेथड है।
मतलब ऐसे तो तीन मेथड होते थे, लेकिन तीन मेथड में से एक जो है सिलेबस से हटा दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट मीन एज पर एनसीईआरटी, थ्री मेथड्स टू फाइंड मीन, फर्स्ट इज योर डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज योर अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड थर्ड इज द स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये वाला जो है इसको हटा दिया गया है सिलेबस से, तो अभी भी हमको दो मेथड्स पढ़ने हैं मीन को कैलकुलेट करने के लिए, ओके। और बोर्ड्स के हिसाब से देखोगे तो आपको वो इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको किस मेथड से मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट मेथड क्या है। अभी तक वैसे आप ये समझ कह सकते हो कि अभी तक हमने जिस मेथड से मीन को कैलकुलेट किया है लोअर क्लासेस में वो डायरेक्ट मेथड होता है। तो जरा इसको सबको स्टडी कीजिए, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री कॉमा डॉट 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 xn be the observations with respective frequencies f1, f2, f3, dot, 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 till fn. इसका मतलब क्या है? मान लो कि x1 कोई नंबर था, वो f1 times repeat हो रहा था, x2 कोई नंबर था, वो f2 times repeat हो रहा था, x3 कोई नंबर था, वो f3 times repeat हो रहा था। तो इस तरीके से हमने हर एक ऑब्जर्वेशन के फ्रीक्वेंसीज को कह रखा है कि चलो x1, x2, x3 वगैरह के फ्रीक्वेंसीज को f1, f2, f3 वगैरह कह लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको इनके वो निकालने पड़ गए, मीन निकालना पड़ गया इनके ऑब्जर्वेशंस को, तो मीन का फॉर्मूला तो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस होगा एफ वन एक्स वन प्लस एफ टू एक्स टू प्लस एफ थ्री एक्स थ्री। तो इस तरीके से आप हर एक ऑब्जर्वेशन को उसके रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर इन सारे को एड करोगे, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वो हो जाएगा एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री डॉट 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 टिल एफ एन। अब आपके मन में सवाल आ सकते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी क्या है? तो यहाँ पे फिजिक्स वाली फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार रिपीट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूं, कितनी बार रिपीट कर रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है, ओके okay? अगर आप नीचे का लाइन देखोगे तो ये यही कह रहा है, दिस मींस ऑब्जर्वेशन एक्स वन ऑकर्स एफ वन टाइम्स, एफ एक्स टू ऑकर्स एफ टू टाइम्स। तो अगर मान लो इसको ऐसे समझो कि अगर कोई एक चीज 10 बार रिपीट हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 कहलाएगी स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में, ठीक है। तो व्हाट इज द डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड इज वेयर आपके पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री करके आपके पास ऑब्जर्वेशन होंगे, उनके फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होंगे और आप उसका मीन कैलकुलेट करोगे। कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके ही निकालोगे, लेकिन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए एफ वन एक्स वन प्लस एफ टू एक्स टू प्लस एफ थ्री एक्स थ्री करके आपको ये सारे प्रोडक्ट को एड करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? तो डिनोमिनेटर में सीधा साधा फ्रीक्वेंसीज आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा मीन का? आपका फॉर्मूला बन जाएगा एफ वन एक्स वन प्लस एफ टू एक्स टू प्लस एफ थ्री एक्स थ्री डॉट 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 टिल एफ एन एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री से लेके एफ एन तक। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। मैंने एक सॉल्व एग्जाम्पल भी रखा हुआ है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी लिखने की कोशिश मत करो, क्लास के बाद मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल सा चीज है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली दिस इज द फॉर्मूला, है ना। अगर आप पीछे वाले फॉर्मूले को जरा कंपेयर करोगे तो पीछे वाले फॉर्मूले में न्यूमरेटर में हमने क्या रखा हुआ है? एफ वन एक्स वन प्लस एफ टू एक्स टू प्लस एफ थ्री एक्स थ्री प्लस एफ फोर एक्स फोर। तो ऊपर एक्चुअली में एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन का एडिशन चल रहा है, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में? तो डिनोमिनेटर में सिंपल एफ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऊपर जो सिग्मा का सिंबल है ना, सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है? सम करना होता है। तो आप इसको ऐसे समझो कि अगर कहीं पे सिग्मा एक्स आई लिखा हुआ है, जहां पे आई का वैल्यू लिखा हुआ है वन से लेके टेन तक, इसका मतलब होता है आप पहले आई की जगह पे वन रखोगे तो आपको मिलेगा x1, i के जगह पे 2 रखोगे आपको मिलेगा x2, i के जगह पे 3 रखोगे आपको मिलेगा x3। ऐसे करते करते i के जगह पे आपको कहां तक रखना है? 10 तक रखना है। और सिग्मा का मतलब होता है कि आपको इन सबको ऐड करना है। तो x1 plus x2 plus x3 plus x4 dot 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 plus x10। आई बात समझ में? सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या होगा? आपको सिग्मा का साइन दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल होता है, और सिग्मा के नीचे हम कुछ लिखते हैं, ऊपर एक नंबर लिखते हैं।
अब नीचे हम वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं, तो जैसे मैंने वेरिएबल लिखा है आई, आई इज इक्वल टू वन, तो आप इसको कैसे पढ़ते हो, आप इसको पढ़ते हो सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स आई, आई का वैल्यू वन से लेके टेन तक। इसका मतलब हुआ कि आई के जगह पे वन रखोगे तो आपको एक्स वन मिलेगा, आई के जगह पे टू रखोगे तो आपको एक्स टू मिलेगा, आई के जगह पे थ्री रखोगे तो आपको एक्स थ्री मिलेगा। इस तरीके से हम लोगों को सारे वैल्यूज को ऐड करना है। अब ये आई का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा वो सिग्मा के लोअर लिमिट और अपर लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने मीन के सिग्मा में क्या रखा हुआ है, लोअर लिमिट रखा गया आई इज इक्वल टू वन, अपर लिमिट रखा गया है एन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो एफ वन एक्स वन प्लस एफ टू एक्स टू प्लस एफ थ्री एक्स थ्री कर करके एफ एन एक्स एन तक हम लोग गए हैं। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा इज द ग्रीक लेटर विच मीन्स समेशन। ओके, दिस मीन्स समेशन। ठीक है, दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन इज नोन एज द डायरेक्ट मेथड। तो अभी तक बताओ प्रोसेस जो डिस्कस कर रहा था वहां पे कोई दिक्कत, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, कोई दिक्कत किसी को भी? एक अब सॉल्व एग्जांपल लाऊंगा, बट इससे पहले जो इतना चीज हमने डिस्कस किया इसमें किसी भी तरीके का कोई मन में सवाल आ रहा है तो पूछो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन एनीवन? शिखर ने हैंड रेज किया है, हाँ जी शिखर। सर वो सिग्मा के ऊपर जो एन है सर और वो वन इज, शिखर आवाज नहीं आ रही, एक बार दोबारा बोलिएगा सर। जो सिग्मा के ऊपर सर जो एन है सर, एक मिनट शिखर, यार आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा, एक मिनट रुक जाओ, मेरा वॉइस लो है थोड़ा। हाँ अभी बोलो सर, जो सिग्मा के ऊपर एन है सर और आई इज इक्वल टू वन है सर, वो किस लिए है, कैसे नहीं बुझा है सर? वो मैं कह रहा हूँ कि सिग्मा जो है ना, इट इज अ नोटेशन। क्या है वो, एक नोटेशन, एक सिंबल है। वो सिंबल आपको एक प्रोसेस को फॉलो करने का इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे यहाँ पे आई के सिग्मा के नीचे जो है ना, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा या समेशन, और इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो आपको ये कैसे चलाना होता है, यहां पे जो वेरिएबल आपको दिख रहा है ना, इसमें x और i दो चीज दिख रही है हम लोग को, दो कैरेक्टर दिख रहा है, लेकिन सिग्मा के नीचे हम बताते हैं कि हम किसकी वैल्यू को चेंज करवा रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे i की वैल्यू को चेंज करवा रहे हैं, ठीक है, i की वैल्यू को चेंज करा रहे हैं। तो यहाँ पे जब i की वैल्यू वन, ये आपका लोअर लिमिट हो गया, मतलब आपको स्टार्टिंग काउंटिंग यहां से करना है, i का वैल्यू वन से काउंटिंग करना है। कहां तक जाना है आपको, तो अपर लिमिट तक जाना है, अपर लिमिट कितना है, टेन है। तो जब आप i की जगह पे वन रखोगे इस बॉक्स के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्स वन, फिर i के जगह पे टू रखोगे तो बनेगा एक्स टू, आई के जगह पे थ्री रखोगे तो बनेगा एक्स थ्री। इस तरीके से i का वैल्यू कहां से कहां तक रखना है, तो वन से लेके टेन तक रखना है। और सिग्मा मतलब हमको इन सारे वैल्यूज का समेशन करना है, इन सारे वैल्यूज का समेशन करना है। ठीक है, अर्णब पूछ रहे हैं कि सर तो x का वैल्यू फिक्स रहेगा? अर्णब इस केस में x का वैल्यू फिक्स रहेगा, इस केस में x का वैल्यू फिक्स रहेगा। ठीक है, समेशन, दिव्यांशु पूछा समेशन, समेशन मतलब एडिशन, याद है समेशन मतलब एडिशन है। ओके, और कोई डाउट आ रहा है किसी के मन में, एनी अदर क्वेश्चंस? चलो, तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, अभी आप लोग पहले समझो कि आखिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो the following table shows the marks obtained by 22 students of class 10 in a maths paper consisting of 100 marks. तो ये आप अपने साथ relate कर सकते हो थोड़ा। तो 22 student के marks है जो उन्होंने maths paper में score किया था, 100 number का paper था। तो इसमें दिखा रहा है कि ये देखो, ये table में एक column है marks obtained का और एक column है number of students का। ध्यान से देखो तो marks obtained को लिखा गया है xi और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिखा गया है एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पे 10, 1, 21, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स लेकर आए, एक स्टूडेंट लेकर आया है। 20 मार्क्स कितना लेकर आया है, तो एक स्टूडेंट लाया है। 12, 2 का मतलब क्या है, 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स लेकर आए, तो 12 मार्क्स दो स्टूडेंट लेकर आए। 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स लेकर आए, तो चार स्टूडेंट लेकर आए। 56 कितने लेकर आए हैं, तो तीन लेकर आए। तो इस तरीके से पहले आपको इस टेबल को समझना पड़ेगा। अगर आप इस टेबल को समझ जाते हो तो फिर इसका मीन निकालना इतना कोई बड़ा टास्क नहीं रहने वाला। ठीक है, अब आप क्या प्रोसेस फॉलो करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई करोगे।
यहाँ पे आपको बताया गया था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे आता है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है एफ वन एक्स वन प्लस एफ टू एक्स टू प्लस एफ थ्री एक्स थ्री, ये करके आता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक दिस टेबल, यू विल हैव टू मेक दिस टेबल, ठीक है, यू विल हैव टू मेक दिस टेबल। इस टेबल में क्या है, तो इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे, एक आपका मार्क्स ऑब्टेंड का कॉलम है एक्सआई वाला, एक आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम है फ्रीक्वेंसी वाला है, और इसके बाद ये आपको खुद कैलकुलेट करना होता है, है ना, ऐसे लिख देता हूं, खुद कैलकुलेट करना होता है, बाकी दोनों क्वेश्चंस में दिया हुआ था, क्लियर, बाकी दोनों जो थे एक्सआई और एफआई आपके क्वेश्चंस में दिए हुए थे। तो अब आपको क्या करना है, एफआई एक्सआई निकालना है, एफआई एक्सआई कैसे निकालोगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है 20 इंटू वन आपको 20 मिला है, यहाँ पे 12 इंटू टू इनको मल्टीप्लाई किया है तो आपको 24 मिला है। तो इस तरीके से आपको सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। अब जब आप इस कॉलम के सारे वैल्यूज को ऐड करोगे ना, इस कॉलम के सारे वैल्यूज को ऐड करोगे तब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इसको जब वैल्यूज को ऐड किया तो वो आ रहा था 1110, ये 1110 किसकी वैल्यू होगी, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू होगी। उसके बाद जब आप इसको ऐड करोगे ना, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा सिग्मा एफ आई, सारा फ्रीक्वेंसी का टोटल, कितने लोग थे, 22 स्टूडेंट थे, सवाल में तो पहले बोल रखा था, तो ऐसे भी इन सबको वैल्यूज को ऐड करोगे तो कितना निकल कर आया, 22 निकल कर आया। तो फाइनली हमारा डायरेक्ट मेथड से जो मीन हो गया, वो मीन कैसे निकलेगा, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई हमने कैलकुलेट कर लिया इन सारे वैल्यूज को ऐड करके, डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई किया ये 22 से, तो 1110 डिवाइडेड बाई 22 से हमको वैल्यू मिला 50.45। बोलो बात समझ में आया, ठीक है, देख के बताओ कहीं पे डाउट आ रहा है तो। बताइए एनी डाउट्स एनीवन, यस फराज एग्जैक्टली, कंगना पूछ रहे सर सिग्मा का ओनली साइन यूज, उसका वैल्यू नहीं है, नहीं उस सिग्मा का कोई वैल्यू नहीं है, बस वो एक सिंबल है, जैसे स्क्वायर क्या करता है, एक आपको प्रोसेस इंस्ट्रक्ट करता है ना, वैसे सिग्मा भी एक प्रोसेस इंस्ट्रक्ट करता है हम लोगों को। साहिल पूछा सर इसका फॉर्मूला लेंदी था, क्वेश्चन इजी है, हाँ फॉर्मूला मतलब वो टेबल बनाने में ही जो मेहनत लगता है साहिल, टेबल बनाने में और उसको ऐड करने में ही आपको जो मेहनत लगेगा, क्वेश्चन आसान रहेंगे। अर्णव कह रहा है कि सर एक्स के ऊपर बार क्यों है, अर्णव ये एक सिंबल है, मीन मीन का ना सिंबल है ये, ठीक है, मीन का सिंबल है, आप देखोगे बुक्स वगैरह में, स्टैंडर्ड बुक्स में अगर हम मीन निकाल रहे थे ना, तो एक्स के ऊपर बार जो है इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि आप मीन कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, इट इज जस्ट अ सिंबल ऑफ मीन, ओके। और क्या क्या सवाल आ रहा है सबके, प्लीज पूछिएगा जो जो मन में डाउट आ रहा है। चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया, तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करने से पहले एक बार आपके एनसीईआरटी पे चलते हैं, चलो एक काम करते हैं, एनसीईआरटी पे तो आपका अभी और क्वेश्चंस आएगा, तो देखिए स्टूडेंट एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने कर लिया, क्या मीन निकालना, किसका, ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना, लेकिन आपको बोर्ड्स में अगर देखा जाए तो ये ज्यादा से ज्यादा एक या दो नंबर के लिए पूछा जाएगा आपसे, बोर्ड में वो क्या पूछेगा, तो आपसे पूछेगा ये वाला टॉपिक,
मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, आपसे पूछेगा मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा विथ क्लास इंटरवल। पिछले वाले में कोई क्लास इंटरवल नहीं था, इस वाले में क्लास इंटरवल है। अब आपके मन में सवाल आएगा क्लास इंटरवल क्या है? तो अगर आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ाई कर रखी है, एट में पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, एट में आपका आता था डेटा हैंडलिंग चैप्टर, तो उसके अंदर क्लास इंटरवल्स डिस्कस किए जाते थे। नाइन्थ में अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो तो वहां पे भी क्लास इंटरवल्स डिस्कस किया जाता था। अगर हम पिछले वाले टेबल को देखें, जैसे इस टेबल को देखें, तो इस टेबल में हमको सिंपल हर ऑब्जर्वेशन के फ्रीक्वेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन के फ्रीक्वेंसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको पहले एक टेबल से दिखाना चाहूंगा, आपको अब कुछ इस तरीके का टेबल दिखेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके का टेबल आपको देखने को मिलेगा। और उस टेबल, अब जैसे 0 to 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से लेके 10 मार्क्स के बीच के कितने स्टूडेंट्स हैं, आप इसको ऐसे समझो, तो उसके अंदर 27 स्टूडेंट्स हैं। 10 से 20 के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये सब होते हैं क्लास इंटरवल्स, जहां पे अब आपने वैल्यूज को ना इंटरवल्स में डाल दिया। इंटरवल्स में क्यों डाला जाता है स्टूडेंट्स, बिकॉज आप खुद सोचो कि अगर मैंने क्लास में अभी जैसे 50 लोग हैं, अगर मैंने 50 लोगों के मार्क्स पूछे, ठीक है, तो मेरे को स्क्रीन पे अगर मैं 50 मार्क्स लिखूंगा, हो सकता है उसमें से कुछ रिपीट कर जाए, तो भी देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मुझे 30 से 35 अलग अलग वैल्यूज लिखना पड़ जाएगा। उन वैल्यूज को ऑब्जर्व करना, है ना, उस पे एनालिसिस करना बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो व्हाट वी कैन डू इज हम उन वैल्यूज को ना क्लास इंटरवल में डाल देंगे। तो 0 से 10 वाले जो होंगे वो एक इंटरवल में, 10 से 20 वाले जो होंगे वो एक इंटरवल में, 20 से 30 वाले एक इंटरवल में। तो इससे ये फायदा होता है कि आपका जो डेटा है उसका एनालिसिस जो होता है बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, अब जैसे कि हमने पिछले वाले मीन निकालने में एक प्रोसेस फॉलो किया था ना, पिछले वाले मीन में एक प्रोसेस फॉलो किया था, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको एक प्रोसेस को फॉलो करना है, वो प्रोसेस समझो। तो व्हेन द डेटा इज ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स, व्हेन द डेटा इज ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स, देन मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाई 3 मेथड्स। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिख के बता दिया था, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिविजन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, जिसमें से स्टेप डिविजन मेथड को हटा दिया गया है सिलेबस से। अब डायरेक्ट मेथड क्या है, तो इन दिस मेथड वी यूज अ मिड पॉइंट विच रिप्रेजेंट द होल क्लास। हम क्या करते हैं इस मेथड में, हम एक मिड पॉइंट का यूज करते हैं जो कि पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और उसी को कहते हैं हम क्लास मार्क्स। क्या कहते हैं उसको हम, क्लास मार्क्स। तो जैसे यहाँ पे क्लास मार्क को ही आपका एक्स आई, क्लास मार्क्स आपका क्या रहेगा, वो रहेगा आपका एक्स आई, ठीक है, क्लास मार्क्स रहेगा आपका एक्स आई, ठीक है। व्हाट इज एक्स आई, सो एक्स आई इज द एवरेज ऑफ द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, तो अगर जैसे 0 to 10 लिखा हुआ रहता है ना, 0 to 10, तो 0 to 10 वाला जो ये रिप्रेजेंटेशन है, 0 to 10 वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम बोलेंगे क्लास इंटरवल। क्या बोलेंगे इसको हम, तो इसको हम बोलेंगे क्लास इंटरवल। अब इस क्लास इंटरवल में जो 0 लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट। और इस 10 को क्या बोलेंगे, इस 10 को हम बोलेंगे अपर लिमिट। तो अगर हमको इस क्लास का क्लास मार्क्स निकालना पड़ा, हमको अगर इस क्लास का क्लास मार्क्स निकालना पड़ा जिसको मैं एक्स आई बोलूंगा, तो एक्स आई कैसे निकलेगा, आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज लेना पड़ेगा। यहाँ पे एवरेज लेने का मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, 0 plus 10 divided by 2, तो वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 5, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस की हमने ग्रुप डेटा विद क्लास इंटरवल में, आपको अब मीन कैलकुलेट करना होगा जहां पे डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया होगा। उसमें भी मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसमें भी मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो एफ तो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन पीछे में एक्स ऑब्जर्वेशन होता था, है ना, ऑब्जर्वेशन, लेकिन यहाँ पे एक्स कैसे निकलेगा, एक्स आई कैसे निकलेगा, आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को का एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्लास मार्क्स का मिड पॉइंट कहा जाता है, पूरे क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को कहा जाता है क्लास मार्क्स, ठीक है। तो अब इसको भी एक सॉल्व एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रोसेस में डाउट है क्या, पहले कुछ भी मन में सवाल आ रहा है तो एक बार क्लियर कर लीजिए। शिखर पूछ रहे कि सर ये ग्रुप पहले से रहेगा कि करना पड़ेगा, शिखर पहले से ग्रुप रहेगा,
सुमित कह रहा है कि सर कितने नंबर पे का इंटरवल रख सकते हैं? शिखर, इंटरवल्स पहले से दिया हुआ रहेगा, वो हमको खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा। शुभम पूछ रहा है सर वो फॉर्मूला में एडिशन होगा ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई टू? ये शिखर शुभम, हमको एवरेज लेना है, मतलब अपर प्लस लोअर बाई टू करेंगे। अमृत कह रहे सर अपने स्लाइड में क्लास मार्क को डिफरेंस लिया है। नहीं नहीं डिफरेंस नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है, जीरो माइनस टेन ये ना, इसको आप कैसे पढ़ोगे, इसका इसको इसको ऐसे पढ़ोगे क्लास फ्रॉम जीरो टू टेन, कैसे पढ़ोगे क्लास फ्रॉम जीरो टू टेन, नॉट माइनस, ब्रैकेट में लिख देता हूं नॉट माइनस, वो बीच में माइनस नहीं समझना हम लोगों को, ठीक है? फराज पूछ रहे हैं क्लास मार्क और क्लास इंटरवल सेम है? नहीं फराज, क्लास इंटरवल तो जीरो से टेन, वो हो गया क्लास इंटरवल। अब उस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या होगा? तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई टू होगा। तो अगर आपका क्लास इंटरवल जीरो से टेन है तो आपका क्लास मार्क फाइव हो जाएगा, फाइव। अर्णव पूछा है सर जीरो से टेन और जीरो और टेन को इंक्लूड करते हैं? नहीं अर्णव, ये तो आई थिंक आपको पता होगा, स्टिल अभी एक बार पूछ लेंगे। अमन पूछ रहे हैं सर क्लास मार्क्स में सिग्मा का रोल नहीं है क्या? नहीं, क्लास मार्क्स में सिग्मा का रोल कुछ नहीं है। शुभम कह रहे हैं प्रिंटेड नोट्स में डिफरेंस है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस है क्या? अच्छा 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 सर, इसको प्लस करना है, ठीक है प्लस करना है। यस मिस्टेक, ठीक हो गया अपूर्वा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक था। चलो तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन? अ टीचर मार्क्स द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स, फाइंड द मीन फॉर द गिवन ग्रुप। तो अभी तक हमारे जो स्टूडेंट्स है क्लास के 55 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे भी देखो तो लगभग 55 है ही, 50 क्लास कर रहे हैं। तो 0 से 10 के अंदर इसका मतलब क्या है, इसको कैसे स्टडी करोगे? तो बच्चों के मार्क्स को क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया था। तो 0 से 10 मार्क्स वालों को यहाँ रखा गया है, 10 से 20 वालों को यहाँ रखा गया है, 20 से 30 वालों को यहाँ रखा गया है, 30 से 40 वालों को यहाँ रखा गया है, एंड सो ऑन। अच्छा, आपके मन में एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा कि 10 जो नंबर है वो यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो उसको कहाँ पे रखा जाता है? जिनको भी मन में डाउट आ रहा है ना, ये हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं। तो अगर आपके मन में डाउट आ रहा है, मतलब आप 8 में भी नलायकी की और 9th में भी की हो। आप अब कोई नहीं बोलेगा, एग्जैक्टली हम हमेशा कहां पे काउंट करेंगे, जहां पे लोअर लिमिट है वो वैल्यू वहां काउंट किया जाएगा, तो जहां पे लोअर लिमिट है वहां पे काउंट किया जाएगा, ठीक है? तो ऐसे समझो 10 को कहां काउंट किया जाएगा, 10 को कहां काउंट किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, हम उसको दोनों जगह पे नहीं काउंट करेंगे, ओके? जहां लोअर लिमिट है वहां, जहां लोअर लिमिट है वहां काउंट किया जाएगा। अब जैसे लास्ट वाला जो केस है, अब 60 के केस में आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इस 60 का फिर क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगला कोई वैल्यू है नहीं, अगला वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए 60 यहीं पे काउंट होगा, मतलब इस केस में 50 भी काउंट होगा और इस केस में 60 भी काउंट होगा, सिंपल। इस केस में 50 भी काउंट होगा और 60 भी काउंट हो जाएगा, ठीक है? चलो तो अब आप देखो कि आपको क्या करना है, ये वाला टेबल हमको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ये वाला टेबल हमको बनाना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये वाली चीज गिवन रहती है, ये वाली चीज गिवन रहती है, ये हमको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये भी हमको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। अब देखो व्हाट इज दिस, दिस इज योर क्लास इंटरवल, दिस इज योर सीआई क्लास इंटरवल। ये वाली चीज क्या है, तो ये तो लिख दिया ऊपर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्स आई मिड पॉइंट एक्स आई। व्हाट इज दिस, तो दिस इज योर एफ आई एक्स आई, दिस इज योर एफ आई एक्स आई।
ओके, इज द लॉजिक क्लियर एवरीवन? तो अब देखो, अब 0 से 10 का मिड पॉइंट, 0 से 10 का मिड पॉइंट कैसे निकाला गया है? तो 0 प्लस 10 बाई 2, 5. 10 से लेके 20 का मिड पॉइंट कैसे निकाला गया है? तो 10 प्लस 20 बाई 2, 30 बाई 2 हो गया 15. तो इस तरीके से सारे मिड पॉइंट निकाले गए. और FI XI कैसे निकालना है ये तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके थे, है ना, ये पिछले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके थे. ओके, तो अब 27 इंटू 5 किया तो 135, 10 इंटू 15 किया 150. तो इस तरीके से आपको सब ऐड करना है. सब ऐड करोगे तो ये आपका क्या है, सिग्मा FX, सिग्मा FX, या इसको ये कह सकते हो दिस इज योर सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI 925. और ये सिग्मा F क्या है? ओके ओके, सिग्मा F यहां लिखना गलती है, यहां पे होगा, यहां पे होगा सिग्मा FI विच इज इक्वल टू 55. ओके, उसको यहां पे लिखना था. हाँ दिव्यांशु, वहां नहीं होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा सिग्मा FI. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो देखो, मैंने नीचे वाला पार्ट नहीं, मैंने सिर्फ टेबल रखा है सॉल्यूशन में, ताकि आपको समझ में आए कि आपको अपने नोटबुक में, एग्जाम के नोटबुक में टेबल कैसे बनाना होगा. तो टेबल में आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी आपको पहले से दिया हुआ रहेगा, एक्सआई आपको कैलकुलेट करना है. पहले आप एक्सआई कैलकुलेट करोगे और उसके बाद आप एफआई एक्सआई कैलकुलेट करोगे. बोलो, इज दिस क्लियर? और जैसे ही हमको ये चीज पता चल गया, तो अब जो मीन निकालना है, अब जो मीन निकालना है, तो मीन आपका क्या रहेगा, सिग्मा एफआई एक्सआई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफआई. तो सिग्मा एफआई एक्सआई कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 925 डिवाइडेड बाय 55. ओके, पांच से कैंसिल करो ऊपर नीचे, तो ये 11 हो गया, यहां पांच से कैंसिल करो तो 142 हो गया, 825 हो गया 5. तो फाइनली ये हो गया 185 बाय 11, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा. तो मैंने आई थिंक सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है. स्टिल अगर किसी भी तरीके का मन में डाउट आ रहा है, प्लीज पहले पूछो, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा अभी करने के लिए, है ना. तो जो भी डाउट आ रहा है पहले पूछ लो, ताकि क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो. एनीवन, एनी डाउट्स? क्या प्रोसेस क्लियर है? डायरेक्ट मेथड, दिस इज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द एवरेज मीन. सब कोई कह रहे क्लियर है? सुमित कह रहा है कि सर आपके स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है. सुमित एक बार एग्जिट करके एंट्री करो, दिक्कत हो रही है आपको. सबको दिख रहा है ना ये स्क्रीन पे जो मैंने लिखा हुआ है? कंगना पूछ रहे कि सर मिड पॉइंट कभी डेसिमल में आ सकता है? आ सकता है, आ सकता है कंगना. अगर मैंने क्लास इंटरवल लिया है मान लो 5 से 10 का, तो 5 से 10 का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा. ओके, चलो तो एक काम करते हैं, मैं चलता हूं एनसीईआरटी पे, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से आप इस क्वेश्चन में मीन कैलकुलेट कीजिए. मीन, मीन कैलकुलेट कीजिए. फाइंड मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड. हरी अप, फाइंड मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड. हरी अप, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं. मीनवाइल आई विल जस्ट बी बैक.
ओके सॉल्व होगा अब जैसे यहाँ पे हमारा जो क्लास साइज है अच्छा इसका मिड पॉइंट कितना होगा 75 इसका मिड पॉइंट कितना होगा अब 2020 से मिड पॉइंट बढ़ रहा है ना 75, 95, 115, 175, 175 एंड फाइनली 195 फिर आपको क्या करना है फिर आपको मल्टीप्लाई करना है तो अब आपको अगला यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा राइट चलो टेबल बनाते हैं अब आपको यहाँ पे करना है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपको करना है 75 × 4 ये आपका हो जाएगा FIXI 75 × 4 ये हो जाएगा आपका 300 इस तरीके से 95 × 5 तो 475 115 × 13 ये सारे मल्टीप्लिकेशन आएंगे थोड़े से डिफिकल्ट वाले ठीक है सुनो ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं फोकस एवरीवन आपके पास एक्सआई दिया था बिकॉज मैं मीन का दूसरा मेथड भी डिस्कस करना चाहता हूँ तो आपके पास ये वैल्यू दिया था जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज दिस रेड कलर वाला पार्ट This is your XI. ये number of consumer क्या है? This is your FI. तो फिर हमने क्या calculate करना है? हमने calculate करना है FIXI. और जब FIXI निकल जाएगा, तो हम mean कैसे calculate करेंगे? अब हम mean calculate करेंगे summation FIXI divided by summation FI करके calculate करेंगे. तो number of consumers जो है, ये तो आपको already दे रखा हुआ है 68. तो denominator में तो 68 आएगा. डिनोमिनेटर में 68 आएगा अब न्यूमरेटर में आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा किसी ने ऐड किया है क्या मिस्टी ने 9320 बोला हुआ 9320 तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए ठीक है चलो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इफ द कैलकुलेशन इज पेंडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्लीज कंप्लीट इट इन योर होम आई थिंक द प्रोसेस इज वेरी क्लियर इन एवरीवन्स माइंड तो आपको बस उस प्रोसेस को फॉलो करके आंसर को लेकर आना है ठीक है सो आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट सुनो दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो कहाँ पे पढ़े हो जानते हो जो मैंने आप लोगों को एनटीएसी की एवरेज की क्लास ली थी ना जुलाई अगस्त में तो वहां पे मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया था आई थिंक जुलाई में ली थी मैंने तो वहां पे मैंने आपको शॉर्टकट बताया था सबसे पहले एवरेज निकालने का वो ही मेथड एक तरीके से पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है इफ वी हैव टू कैलकुलेट द लार्ज नंबर्स इफ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ लार्ज नंबर्स Then we can use this method to make our calculations easy. In this method, we choose one of the x मतलब वो xi as assumed mean and let it as a. मतलब हम हमारे पास जितने भी xi के जो values होते हैं ना उनमें से हम किसी एक value को mean assume कर लेंगे उसको हम a का नाम देंगे. Then we find the deviation
which is the difference of the assumed mean and each of the x. The rest of the method is same as the different as the direct method. तो आपको इस step deviation method, ये deviation method या फिर assumed mean method में क्या करना होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, जितने भी xi के values होते हैं उनमें से किसी एक को mean मानना है और उसको a assume करना है, ठीक है? और उसके बाद आप mean कैसे calculate करोगे, तो आप mean calculate करोगे इस फॉर्मूले से. फॉर्मूला क्या है, पिछले वाले का फॉर्मूला था समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई. इसका मेथड क्या है, इस मेथड में फॉर्मूला क्या है, तो इट इज ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई. तो इसमें भी जो प्रोसेस होता है बहुत हद तक डायरेक्ट मेथड के जैसा ही है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी. तो वो एक्स्ट्रा चीजें क्या है वो मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा. तो मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे इस टेबल का एवरेज निकालना है. तो 100 से 150 रुपए के एक्सपेंसेस वाले 24 घर है, 150 से 200 के एक्सपेंस वाले 40 घर है, 200 से 250 के एक्सपेंस वाले 33 घर है. तो इस तरीके से हमारे को टेबल दिया हुआ. अब अगर इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना होता तो स्टूडेंट्स हम क्या करते, हम ये 100 और 150 का एवरेज निकालते, उसको मल्टीप्लाई करते 24 के साथ, फिर हम 100, 150 और 200 सेकेंड वैल्यू का एवरेज निकालते, उसको मल्टीप्लाई करते 40 के साथ, है ना? बट डेविएशन मेथड में क्या करेंगे, तो जरा पढ़ो इसको. हियर वी टेक 275 एज द अज्यूम्ड मीन. हम 275 को अज्यूम्ड मीन मानेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद ये देखो व्हाट आर दीज वैल्यूज. तो ये तो आपका सीआई है, क्लास इंटरवल, ये ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चन में. फिर आपका फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चन में. अब यहाँ पे इन्हीं में से देखो किसी एक को ए मानना होता है, सॉरी ये मिड वैल्यू हो गया, ये एक्स आई. अब एक्स आई हमको खुद कैलकुलेट करना है, इसी में से इस वाली वैल्यू को क्या माना गया है, ए माना गया है. इस वाली वैल्यू को ए माना गया है अज्यूम्ड मीन. देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, हेयर वी टेक 275 एज द अज्यूम्ड मीन. फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कैलकुलेट करना है डी आई. वट इज डी आई, सो डी आई इज एक्स आई माइनस 275. यहाँ पे लिख रहा हूं DI is the deviation. DI is the deviation. कैसे कैलकुलेट करोगे DI? तो DI कैलकुलेट करोगे आप XI माइनस A करके. XI माइनस A करके. सुमित पूछ रहा है कि सर किसी को अज्यूम कर सकते हैं? सुमित आप किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो, बट यहां पे मेथड कहता है कि जितने भी XI है ना उन्हीं में से किसी एक को A मानना है. क्या करना है आपको, जिन चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, अपने हिसाब से 1000 भी रख सकते हो, लेकिन ये कहता है कि जितने भी एक्साइज है उनमें से एक को रखना है, ठीक है? तो क्या क्या प्रोसेस है स्टूडेंट्स, पहला कॉलम दिया होगा, दूसरा कॉलम दिया होगा, तीसरा टेबल है एक्साइ जो खुद कैलकुलेट करना है, चौथा टेबल है डी आई. डी आई का वैल्यू क्या है, तो डी आई का वैल्यू है एक्साइ माइनस ए, वो हमको खुद से कैलकुलेट करना है. और लास्ट वाला ये टेबल क्या है, सो दिस इज योर एफ आई डी आई, दिस इज योर एफ आई डी आई. कैसे आएगा ये, तो ये देखो यहाँ पे जैसे -360, ये -3600 कैसे आया है, तो ये आया है 125, यहाँ पे 125 दिख रहा है और यहाँ पे -150 दिख रहा है. तो 125 इंटू -150 करके लाया गया है, ठीक है, 125 इंटू -150 करके लाया गया. तो इस तरीके से हम लोगों को हर एक टर्म को कैलकुलेट करके एफ आई डी आई निकालना है. जैसे ही एफ आई डी आई आ जाएगा तो यूजिंग डेविएशन मेथड, यूजिंग deviation method average is equal to a plus summation fi di divided by summation fi होता है, ठीक है? अब क्योंकि हमने a को assume कर लिया था 275 और summation fi di हमने अभी ऊपर देखा है table में कितना है, -5550 divided by 180. इसको कैलकुलेट करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा. फराज कह रहा है कि मिड वैल्यू ही ए है. नहीं फराज, कोई भी वैल्यू. अब मिडिल वैल्यू तो देखो 275 भी मिडिल वैल्यू है एंड 225 भी मिडिल वैल्यू है. वैसे इसमें से किसी एक को भी आप ए अज्यूम कर सकते हो. बताओ स्टूडेंट्स क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को? किसको नहीं समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड.
किसको नहीं समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड। चेंज समझ में आया है पिछले वाले और डायरेक्ट मेथड और इस मेथड में क्या चेंज है? तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग सीधा एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करते हैं, इस वाले मेथड में क्या करते हैं हम, तो पहले हम एक कैलकुलेट करते हैं डी डेविएशन, फिर हम कैलकुलेट करते हैं एफ आई डी आई। तो ये जो डेविएशन वाला कॉलम है ना, डेविएशन वाला कॉलम एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है इस मेथड में। प्रेरणा कह रही है कि सर डी निकालने वाले एक बार और समझा दीजिए। प्रेरणा देखो डी कैसे निकालोगे, तो डी यहाँ पे उसके ऊपर देखो क्या लिखा है, मैंने बोला है कि डी मतलब डेविएशन है, और डेविएशन हमेशा कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए निकलेगा। तो जैसे कि सबसे पहला वाला जो डी वन है, सबसे पहला वाला जो डी वन है वो आप कैसे निकालोगे, एक्स वन माइनस ए करोगे। अब एक्स वन मतलब पहला वैल्यू क्या है एक्स का, 125, और ए हमने कितना माना हुआ है, ए हमने माना हुआ है 275। तो 125 माइनस 275 करोगे तो कितना आएगा, माइनस 150 आएगा। देखो यहाँ पे माइनस 150 दिख रहा है। अगर हमको डी टू निकालना होता तो डी टू क्या हो जाता आपका, वो हो जाता आपका एक्स टू माइनस 275। अब एक्स टू कितना है देखो, वहां पे एक्स टू है 175, 175 में से 275 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 100। देखो यहाँ पे माइनस 100 दिया हुआ है क्या, ओके फराज एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हो, कितना बार बोल चुका मैं आपको, ए किसी को भी ले सकते हो, यहाँ पे बैठा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वेयर वी चूज वन ऑफ द एक्सेस एज अज्यूम्ड मीन, कोई भी एक एक्स को अज्यूम मीन कर सकते हो। अर्णव कह रहे हैं सर कल के एनटीएससी क्लास का लिंक भेज दीजिएगा। अर्णव अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देखोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देखना। करिश्मा पूछ रहे सर एफडी कैसे निकलेगा, तो एफडी आप पिछले वाले मेथड में एफआई एक्सआई कैसे निकालते थे, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को एक्सआई वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते थे, वैसे है एफआई डीआई कैसे निकलेगा। यहाँ पे ये मैंने एक दिखाया ना एफ वन डी वन कैसे निकलेगा, तो यहाँ का एफ वन उठाना जो कि 125 है, और यहाँ का डी वन निकालना जो कि आपका माइनस 150 है, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आएगा माइनस 3600, ठीक है। तो ये देखो ये आपका माइनस 3600 है यहाँ पे, क्लियर है करिश्मा, इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा। मतलब अब जो प्रोसेस है ना डी निकलने के साथ साथ फिर डायरेक्ट मेथड वाला प्रोसेस फॉलो होने लग जाता है। और क्या क्या डाउट आ रहे हैं गाइस, आई थिंक प्रोसेस अगर समझते हो तो प्रोसेस आसान है, लेकिन उसको परफॉर्म करोगे जब टेबल बना के कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन टिपिकल हो जाता है, जैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर एडिशन करना पड़ेगा, और अगर ऐसे 6-7 वैल्यूज हो जाएंगे तो ठीक ठाक टाइम लगता है। बट द गुड पार्ट इज ये अगर पेपर में आता है तो जनरली 4 नंबर के लिए आता है, जनरली 4 नंबर के लिए आता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो आपका एन है ना, फ्रीक्वेंसी से और क्या करना है, मैं समझा नहीं आपका सवाल, चलो अच्छी बात अंकित। बाकी लोग इज दिस क्लियर, तो मैं रिकॉर्डिंग जो है आधे घंटे में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। निहारिका कह रही है कि सर 125 इंटू 150 आ रहा है माइनस 18750 आता है, सॉरी एफ आई एक्स आई है ना यार, तो वो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये गलती कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी में हो गया, एफ आई डी आई ऐसे नहीं होगा, इट इज 150 इंटू 24, एफ आई तो 24 है ना वहां पे, 24 है यहाँ पे, ठीक है। एफ वन डी वन लिखा हुआ है ना, तो ये आपका एफ, ये वाला एफ वन हो जाएगा, ये आपका एफ वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने मीडियन मॉड का भी स्लाइड रखा था, बट ठीक है, मैं मॉड और मीडियन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, मॉड और मीडियन में नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, ओके। चलो फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, तब थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। थैंक यू एवरीवन, डू मेक श्योर कि आप मीन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। बाय, टेक केयर।